हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक टॉक्स। मैं मधु पांडे। ये 3DS Max सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू मेक बेडशीट। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा बेड टाइप का कुछ बना लेती हूँ, ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा एक बना बॉक्स लिया। बॉक्स को मैं सेगमेंट दे देती हूँ, ठीक है। देन चैम्फर बॉक्स, यहाँ पे गए एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स, चैम्फर बॉक्स। ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुकी हूँ, तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लो। सेगमेंट्स देना ज़रूरी है, तभी मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट प्रॉपर बनते हैं। तो यहाँ पे इसका फिलेट कम कर दूँ, एक कर देती। इसको ज़रा मैं नीचे मूव कर देती हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या देखना है, यूनिट्स चेक कर लेनी है। इसकी जो यूनिट्स है ना, वो मिलीमीटर्स में छोड़ के बाकी कोई भी रहेगी चल जाएगी। कस्टमाइज यूनिट सेटअप, सेंटीमीटर है, इधर भी सेंटीमीटर है, ठीक है। ओके एंड ओके। अभी क्या करती हूँ मैं, यहाँ से मैं एक प्लेन ड्रॉ कर लेती हूँ और इसको भी मैंने ऊपर ले लिया, और यहाँ पे फिर इसको भी सेगमेंट्स दे दिए। ओके, तो अभी ये तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन मॉडिफाई, क्लॉथ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, बॉक्स और चैम्फर बॉक्स को कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सेलेक्ट कर लिया। देन कोलिजन, प्लेन, क्लॉथ, कॉटन। ओके, सिमुलेट लोकल डैम्प। ओके, तो ये अच्छी है, इसको यहाँ पे ऑफ कर दिया, या फिर स्केप कर दो तो वो ऑफ हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, बेडशीट बहुत पतली है तो इसमें हम लोग शेल और टर्बो स्मूथ लगाएंगे। शेल से थिकनेस आएगी एंड टर्बो स्मूथ से स्मूथ होगा। इसको सेलेक्ट किया बेडशीट को, देन शेल मैक्सिमाइज कर लूँ। हाँ, अभी देखो यहाँ पे ये इनर अमाउंट है और फिर ये आउटर अमाउंट है, ठीक है। इससे ये थिकनेस आ गई, देन टर्बो स्मूथ, ये स्मूथ हो गया, ठीक है। अभी मैं सबको सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, बेडशीट का अलग कलर कर देती हूँ। ओके, अभी मैं एक और टाइप की बेडशीट बनाऊँगी थोड़ी अलग, इसको मैंने यहीं पे कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी कैसे करेंगे, सेलेक्ट करके शिफ्ट एंड ड्रैग, ये दूसरे वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, पर इसका क्लॉथ यहाँ से मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे टॉप व्यू में यहाँ गए, क्रिएशन में सेकंड ऑप्शन शेप्स, देन अभी यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट क्लॉथ नहीं लगाएंगे, जितने भी 2D शेप रहेंगे अगर हमें उसे क्लॉथ लगाना रहेगा तो हम लोग गारमेंट मेकर लगाएंगे। मॉडिफायर्स, गारमेंट मेकर। ओके, अब यही प्रोसेस मैंने जो लास्ट टाइम किया अब इसको रिपीट करूँगी। सबको सेलेक्ट किया, क्लॉथ, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, सेलेक्ट बोथ ऑब्जेक्ट, देन कोलिजन, सेलेक्ट रेक्टेंगल, क्लॉथ, कॉटन एंड ओके। अभी इसको सेलेक्ट किया, देन शेल, तो ये ठीक हो गई, ये ब्लैंकेट जैसा थोड़ा इफेक्ट आ जाता है। देन वापस सेलेक्ट करके टर्बो स्मूथ, देखो अभी थोड़ा एकदम ये वाली प्लेन है और इसमें थोड़ा सा ये ब्लैंकेट इफेक्ट है। ओके,
ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, जो भी चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करो। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी डाउट रहेंगे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। तो जब भी मैसेज करना तो डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के साथ कि इस टॉपिक में मुझे ये प्रॉब्लम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।